नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपने कर्नाटक का नाटक पिछले साल देखा ही होगा। अब वही रिजॉर्ट और होटल पॉलिटिक्स एक बार फिर मध्य प्रदेश में चल रही है। पिछले 14 महीने से हिलडुल कर चल रही कमलनाथ सरकार को आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंगड़ी मार ही दिया, और ये सब हुआ होली के दिन, जिस दिन पूरा भारत होली के रंग में सराबोर होकर खुशी के मारे झूम रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी परिघटना का होना मात्र संयोग नहीं होता, बल्कि काफी पहले पटकथा लिखी जाती है, और सिंधिया के बीजेपी में जाने की पटकथा भी पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये लिखा गया गुजरात में। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने की एनालिसिस करेंगे, और आपको बताएंगे कि आखिर गुजरात में कैसे सिंधिया के बीजेपी में जाने की पटकथा लिखी गई। मध्य प्रदेश में आए राजनीतिक भूचाल को राजनीतिक विश्लेषक गुजरात से जोड़कर देख रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की प्लानिंग गुजरात के बड़ौदा में उनके ससुराल में लिखी गई, और इसे होली 2020 पर अमली जामा पहनाया गया। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि गुजरात के बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा राज परिवार की प्रियदर्शनी से 12 दिसंबर 1994 को ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी हुई। ससुराल होने के कारण सिंधिया का बड़ौदा में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी गुजरात चुनाव के दौरान उन्हें बड़ौदा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी, और सिंधिया ने इस दौरान वहां जाकर प्रचार भी किया था। इसके साथ ही साथ बड़ौदा महाराज से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध है। मीडिया की खबरों की माने तो नवंबर 2019 में बड़ौदा महाराज के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम था। उसमें देश भर से सियासी जगत से जुड़े लोग पहुंचे थे, और इस बड़े आयोजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। सियासी हलकों में इसी बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहीं पर बड़ौदा महाराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर बातचीत की, और अब सिंधिया ने होली के दिन 10 मार्च 2020 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया को कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाव नहीं दे रही थी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ना तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने को तैयार थी, और ना ही राज्यसभा भेजने को। ऐसे में सिंधिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। लेकिन जो भी हो, अब सिंधिया के कदम कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में पहुंच चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ सरकार गिरती है या बचती है। ये तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कमलनाथ का सूरज चमकता है या डूबता है। लेकिन फिलहाल तो एमपी गजब है, बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है।